हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 2022 में मनरेगा में भर्ती निकल के आ चुकी है, जिसमें योग्यता 10वीं पास रखा गया है। जो कैंडिडेट 10वीं पास रहते हैं वह लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा के सीधी भर्ती निकल के आ चुकी है, जिसमें 46,000 पदों के लिए भर्ती आ गई है। आप लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा मौका निकल के आ चुका है। यहाँ पर देखिए, टोटल 46,000 पदों के लिए भर्ती आ गई है, जिसमें आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। केवल मेरिट बेस से आप लोग की भर्ती की जाएगी। इसमें आपको एक महीने का वेतन 12,000 रुपये मिलेगा। ये देखिए, शुरुआती वेतन बताया जा रहा है। अगर आप लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो को डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि भर्ती किस किस राज्य में आई, इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी यहाँ पर जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज का देखिए क्वेश्चन है कि भारत में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। ए ऑप्शन है हिंदू, बी ऑप्शन है मुस्लिम, सी ऑप्शन है क्रिश्चियन, डी ऑप्शन है सिख। अगर आपका आंसर सही हो जाता है तो आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से 1,000 रुपये जीतने का मौका मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आगे क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, बताया जा रहा है कि मनरेगा में भर्ती निकल के आ चुकी है, जिसमें टोटल 46,000 पदों के लिए भर्ती निकल के आ चुकी है। जो कैंडिडेट 10वीं पास रहते हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा मौका निकल के आ गया है। इसमें टोटल 46,000 पदों के लिए भर्ती आ गई है। चाहे आप मेल कैंडिडेट रहते हैं, फीमेल कैंडिडेट रहते हैं, आप लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा मौका निकल के आ चुका है। यहाँ पे देखिए, अलग अलग पदों के लिए भर्ती निकल के आ चुकी है और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं रखी गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पे देखिए, बताया जा रहा है कि कई विभागों में भर्ती आने वाली है। ये देखिए, भर्ती आप लोगों का परीक्षा नहीं होगा, केवल मेरिट बेस से भर्ती की जाएगी। इसमें महिलाओं के लिए बड़ा ही अच्छा मौका निकल के आ चुका है। इसमें महिलाओं को विशेष रूप से छूट भी दिया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल बताया जा रहा है, जिसमें वेतन बताया जा रहा है कि आपको एक महीने का वेतन 12,000 रुपये मिलेगा। जिसमें पोस्ट का नाम बताया जा रहा है कि 46,000 पदों के लिए भर्ती निकल के आ चुकी है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मल्टी टास्क वर्कर के लिए भर्ती निकल के आ गई है। इसमें योग्यता 10वीं पास रखा गया है। यहाँ पे देखिए, उम्र सीमा बताया जा रहा है कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 45 से कम रहती है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस बताया जा रहा है कि कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आप लोग का फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन मोड बताया जा रहा है कि आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप लोग भी इस फॉर्म को भरते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप लोग ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं, तो वहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है। ये देखिए, ऑल इंडिया के सभी राज्यों के लिए भर्ती निकल के आ चुकी है। तो जैसे ही आपके राज्य में इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है, आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि जैसे ही आपके राज्य में कोई भी अदर सरकारी वैकेंसी आती है, सरकारी न्यूज़ या फिर सरकारी योजना आती है, या फिर इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है, उसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप किस राज्य से देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी सरकारी वैकेंसी की अपडेट आती है आपको चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाए। वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आती, आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।